पूरा नहीं पकड़ा रहा, थोड़ा सा और इधर भागेंगे, किधर भागेंगे, मिसाइल साइड हटाओ। ये सीमेंट ट्रेंडेड क्राउन 2 साल पहले फिक्स किया गया था, पेशेंट को फूड लॉजमेंट था। इसको निकालने के कोशिश में बीच में एक छोटा सा ड्रिल करके और स्क्रू खोल करके जब कैप निकाला गया तो ये कैप जो है पूरा अबटमेंट के साथ में निकल गया इम्प्लांट से ऊपर खुल के, कारण कि ड्रिल जो किया गया था वो एकदम सेंटर में हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको खोल करके निकाल लिए। अभी दोबारा यही क्राउन को जो सीमेंट रिटेंडेड था अभी स्क्रू रिटेंडेड बना करके सेम पेशेंट में अभी इसको रिप्लेस करेंगे। देखो ठीक है, नीचे क्राउन इम्प्लांट है, ये क्राउन बैठ गया। नॉर्मल 10-12 टॉर्क के फोर्स टेस्ट को टाइट कर दिए। अब इसी को फिर 30 न्यूटन के टॉर्क पे हेक्स डायोसिस मशीन। अभी कितना टॉर्क है, 20, 25, 30 आ गया और लेके जाए ये 10, 20, 30, 35 तक जाएगा, ये दोनों के बीच में रहेगा। थोड़ा सा और देखते हैं, आप अगर पेन होगा तो हमको इशारा कीजिएगा, ठीक है। 20, 10, 20, 30 पूरा 30 आ गया, अब नहीं जाएगा, 35 तक का टॉर्क हमको मिल रहा है यहाँ पे, इसके बाद नहीं जाएगा। जो रिकमेंडेड टॉर्क था वो मिल गया, अब इसको खाली ऊपर से फिलिंग कर दें। अंदर में पूरा छेद इसी से भर दिए, छेद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, ऊपर से एक सपोर्टिंग फिलिंग कर देंगे दांत के कलर का ही। लेकिन आपको कलर हम जानबूझ करके अलग चेंज करके दिए, इलेक्ट हो गया, बंद कीजिए तो कसके, ऊंचा लग रहा है ना, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है।